हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलवेज न्यू। आज मैं आपको मोमो चटनी बनाना सिखाने वाली हूँ। मोमो चटनी के लिए हमें चाहिए टमाटर, रेड चिल्ली सूखे हुए, फिर नमक, टोमेटो केचप, और अगर आप चाहें तो आप लाल मिर्ची की जगह पे लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे पका भी सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो इसे आप कच्चा भी पीस सकते हैं। सिर्फ इसे हमें मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। तो अब कुछ नहीं करना है आपको, ये मिक्सी में ऐसे जार में डाल देना है, इसे कट करके डालना है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे इसे टुकड़ों में काट कर मिक्सी में डाल लेना है और इसे पीस लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये अब तैयार हो चुका है। अब इस चटनी में आप वो टोमेटो केचप डाल सकते हैं, नमक डाल दीजिएगा, और रेड चिल्ली पाउडर अगर आप चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी लगेगा मोमो के साथ खाने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।